हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। ये जो डिक्टेशन है 70 वर्ड पर मिनट का स्टेनो डिक्टेशन है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो ये 70 वर्ड पर मिनट का है, मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट किया कि सभी पक्षों से बात करके चुनावी चंदे की कोई व्यवस्था लाई जाएगी। यह आवश्यक ही नहीं कौमा अनिवार्य भी है कौमा, क्योंकि यदि चंदे की कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई जाती या फिर चुनावी ब्रांड की पुरानी योजना में वांछित परिवर्तन कर उसे नए रूप में नहीं लाया जाता, तो देश की राजनीति फिर से काले धन से संचालित होने लगेगी। फुल स्टॉप। विडंबना यह है कि न तो कोई यह बता रहा है कि क्या चुनावी ब्रांड की खत्म की गई योजना में कुछ बदलाव कर उसे पारदर्शी व्यवस्था क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। यह तो स्वीकार नहीं कि चंदे को लेन देन उसी तरह होने लगे कौमा जैसे चुनावी ब्रांड योजना के पहले होता था, और जिसमें किसी को पता नहीं चलता था कि किसने किसको कितना पैसा दिया। क्वेश्चन मार्क। यदि विपक्षी दलों को वित्त मंत्री के कथन पर आपत्ति है, तो फिर उन्हें यह बताना चाहिए कि चुनावी चंदे की कोई नीर छीर व्यवस्था क्या हो सकती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यह विचित्र नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनावी ब्रांड योजना खत्म किए जाने पर विपक्ष नेताओं समेत अन्य अनेक लोगों ने खुशी तो खूब जताई कौमा, लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया कि भविष्य के लिए चंदे के लेन देन का कौन सा तरीका उपयुक्त रहेगा और कैसे राजनीति में काले धन के इस्तेमाल को रोका जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड, ये थे 70 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन। तो उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर जरूर करेंगे।